दोस्तों आज है संडे और हर संडे को हमारे चैनल पर मिलती है एक नई तरह की वीडियो संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। तो आप भी इस वीडियो में भाग ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल। तो फटाफट से किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछ डालिए अपना कोई यूनिक सवाल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कमेंट बॉक्स। तो आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं कुमकुम हंस, और ये लिखते हैं, सर स्कॉर्पियो 110-120 स्पीड पर चलाने और ब्रेकिंग टाइम बबलिंग होता है और क्लच दबाने पर भी बबलिंग नहीं जाती है, इस बारे में भी बताएं। तो दोस्तों, हाई स्पीड में और ब्रेक लगाने पर अगर बबलिंग करती है गाड़ी, तो ये ब्रेक की प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्रेक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हमारा डिस्क है, ब्रेक डिस्क, वो अनइवन घिस जाता है। कई बार जब ब्रेक शू ख़राब हो जाता है और उसका जो लेदर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो डिस्क को घिसना शुरू कर देता है। तो वो जो डिस्क है वो हमारा अनइवन घिस जाता है, और हम जब ब्रेक लगाते हैं तो वो एक तरह से हिलता है, तो उस डिस्क के हिलने से सारा व्हील वाइब्रेट करता है। तो आप अपनी गाड़ी के ब्रेक चेक कराएं। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी पहिए में कम ब्रेक लग रहा है, किसी में ज़्यादा लग रहा है, तब भी ब्रेक लगाने पर बबलिंग आ सकती है। और इसके अलावा आप व्हील बैलेंसिंग भी करा कर देख लें, हो सकता है व्हील बैलेंस आउट होने पर भी हाई स्पीड में बबलिंग करती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं मेघराज क्षीरसागर, और ये लिखते हैं, शॉकर से कैम्बर एडजस्ट पर वीडियो बनाओ। तो देखिए मेघराज जी, शॉकर की एडजस्टमेंट से जो कैम्बर होता है, वो ज़्यादातर टाटा कंपनी की गाड़ियां हैं, जैसे इंडिका, इंडिगो, टियागो, ये जो छोटी गाड़ी हैं, इनमें कैम्बर की एडजस्टमेंट पाई जाती है। तो इस पर मैं वीडियो जल्दी आपको बना दूंगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सुशांत पांडे, और ये लिखते हैं, सर मेरी कार सिर्फ 90-95 स्पीड में बबलिंग होती है, आगे वाले दो टायर MRF के हैं और पीछे वाले रिसोलिंग हैं, एंड 90-95 में वाइब्रेट करती है जब क्लच दबाऊं, तो सर क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करूं? 2004 मॉडल ऑल्टो है। तो देखिए सुशांत जी, आपके पास ऑल्टो गाड़ी है और उसमें आपके आगे वाले जो टायर हैं, दो MRF के हैं, यानी वो न्यू हैं या आपने परचेज करे हैं न्यू, और पीछे वाले जो टायर हैं वो रिसोलिंग है, यानी रबड़ चढ़े हुए हैं। तो देखिए, रबड़ चढ़े हुए जो टायर होते हैं, वो पुराना जब टायर घिस जाता है, उस पर हम रबड़ चढ़ा देते हैं, रिसोल कर देते हैं, तो एक तो जो टायर है पुराना वो हार्ड हो जाता है और उसकी जो रबड़ है उसकी स्पंज ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो रिसोल ट्रेड हम चढ़ाते हैं, रबड़ चढ़ाते हैं, वो भी एक हार्ड कंपाउंड से बनाई जाती है, जिससे वो बबलिंग करती है। तो आप अपनी गाड़ी के ये टायर चेंज कराएं, तभी बबलिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो दो टायर और चेंज करा लें आप, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सुखराज सिंह, और ये लिखते हैं, सर अलाइनमेंट करने के बाद भी गाड़ी एक साइड राइट साइड पुल करती है 40 की स्पीड के बाद, और रोड पे चलते चलते ही बीच बीच में अपने आप सीधी भी चलने लगती है और फिर अपने आप राइट साइड पुल करती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? समझ नहीं आ रही है। तो देखिए सुखराज जी, आपने गाड़ी नहीं लिखी है कौन सी गाड़ी है। वैसे मैं बता दूं, आपकी गाड़ी के जो लोअर आर्म हैं,
जिन्हें आम भाषा में चिमटे बोलते हैं, उसके बुश खराब हो गए हैं। हो सकता है किसी एक साइड का बुश खराब हो या चिमटे के दोनों दोनों चिमटे के बुश खराब हो गए हों। जब चिमटे का बुश खराब हो जाता है तब इस तरह की दिक्कत आती है। गाड़ी लहरे से लेती है, जैसे मतलब लेफ्ट जाएगी फिर अपने आप सीधी हो जाएगी, फिर राइट जाएगी फिर अपने आप सीधी हो जाएगी, ऐसे करके अपने आप। तो ये दिक्कत चिमटे के बुश जो होते हैं लोअर आर्म बुश, ये ख़राब होने से आती है। तो आप किसी अच्छे मैकेनिक को चेक कराएं सस्पेंशन, उसमें जो लोअर आर्म बुश हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उसे दिखाएं और चेंज कराएं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं मंतेश सिंह, और ये लिखते हैं, सर मेरी कार में जब मैं 40 किलोमीटर से स्पीड बढ़ाता हूँ तो एकदम स्टीयरिंग व्हील एक तरफ हो जाता है, और जब एक्सीलरेशन छोड़कर गियर बदलता हूँ 40 की स्पीड से ऊपर तो फिर से एकदम स्टीयरिंग सीधा हो जाता है, प्लीज़ सर कुछ बता दीजिए। तो देखिए मंतेश भाई, आपने गाड़ी नहीं लिखी है कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक होता है ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, या तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग का सेंसर है वो उसका कैलिब्रेशन आउट हो गया है, या जो इनको कंट्रोल करता है मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है एक स्टीयरिंग का, वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है जिससे इस तरह की आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग का सेंसर है उसको कैलिब्रेट कराएं, और जो मॉड्यूल है उसका उसको भी चेक कराएं, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं परमजीत सिंह, और ये लिखते हैं, सर मेरी कार में स्पीड ब्रेकर आने पर या हल्की ऊपर नीचे जगह होने से टाइप की आवाज़ आती है। तो देखिए परमजीत सिंह जी, आपकी गाड़ी के शॉकर माउंट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की आवाज़ जो आती है स्पीड ब्रेकर पे या किसी ऊंची नीचे जो गड्ढा आता है रोड पे या ऊंचा नीचा आता है तो शॉकर जंप लेता है, तो शॉकर जंप लेने से जो वो शॉकर का माउंट है, शॉकर किट बोलते हैं उसे, वो मूवमेंट में आ जाता है, उसकी आवाज़ आती है शॉकर की। तो आप अपनी गाड़ी के शॉकर किट माउंट चेक कराएं और उन्हें चेंज कराएं। वैसे आपने गाड़ी नहीं लिखी है, कुछ गाड़ियों की में समस्या ज़्यादा आती है, जैसे आपके हुंडई की i10 है या i20 है, और कुछ और गाड़ियां भी हैं जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं माखन लाल, और ये लिखते हैं, सर 50-60 की स्पीड में बबलिंग करती है, 75-80 की स्पीड में बबलिंग कम करती है, क्या कारण हो सकता है, बुलेरो SLX है। तो देखिए आप अपनी गाड़ी के टायर्स एक बार चेक कराएं, हो सकता है आपकी गाड़ी के टायर्स में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लो की स्पीड में बबलिंग ज़्यादा होती है और जैसे जैसे गाड़ी स्पीड में आती है बबलिंग कम होने लगती है, तो हमारा टायर कहीं से बल्ज आ जाता है टायर में, या टायर में कोई कट होता है, या टायर घिस जाता है, अनइवन घिस जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स एक बार चेक कराएं और व्हील बैलेंसिंग कराएं, उसमें ये सारा पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज के कुछ ये कमेंट थे जो मैंने रिप्लाई दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले संडे को। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।